हेलो फ्रेंड्स आई डॉक्टर सी एस प्रशांत पी पटेल वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल पी एम पी तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं एम सी क्यूज ऑफ स्वैप सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा आप सीधा एम सी क्यू प्रैक्टिस करने से अच्छा सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर करिए अगर आपके प्रीवियस एम सी क्यूज देखने स्वैप्स के टॉपिक्स पढ़ने बाकी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है अलग अलग तरीके के स्वैप्स हैं टोटल छः टाइप के स्वैप डिस्कस किए पहले आप वो देख लीजिए ताकि जब आप एम करो तो आपको सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है उसके आंसर भी देना है और एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करना और कमेंट में आंसर पक्का देना इससे क्या होगा आपको प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि भाई आप जब भी एम सी देख रहे हो आपको अगर आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर को कमेंट करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन अच्छे से मिले और हम और ज़्यादा ऐसे एम वीडियोस बनाते रहे तो चलिए बेटा शुरू करते हैं स्वैप एम जिसमें सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर वन अ स्वैप दैट इज यूज टू एवेड द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ करेंसी मिसमैचिंग ज क्लासीफाइड एज करेंसी मिसमैच वजह से जो आप स्वैप करते हो उस स्वैप को हम क्या कहते हैं फ्लोटिंग स्वैप फिक्स स्वैप करेंसी स्वैप और इंटरेस्ट रेट स्वैप अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए फिर आप आंसर देखना कि सही आंसर क्या है द करेक्ट आंसर इज करेंसी स्वैप देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता था करेंसी मिसमैच हो रही है जिससे आपको क्या हो रहा है इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्लियर कन्वर्जन रेट अलग है प्लस उस वहाँ पर इंटरेस्ट रेट अलग है तो काफ़ी महंगा हो जाएगा हम लोग ने एक एग्जाम्पल भी दिया था एक्स वाई यू एस ए में एबीसी इंडिया में है और दोनों ऑपोजिट कंट्री में स्टार्टअप लेके जा रहे हैं और लोन की ज़रूरत है तो करेंसी स्वैप करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है करेंसी स्वैप देन आफ्टर द टाइप ऑफ स्वैप इन विच द फिक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज बाय टू काउंटर पार्टीज फॉर फ्लोटिंग पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट आर कॉल सिंपल सा एक स्वैप है क्या कहोगे आप इसे फ्लोट एंड फिक्स स्वैप इंटरेस्ट रेट स्वैप इंडेक्स स्वैप और काउंटर पार्टी स्वैप सिंपल सा है आप इंटरेस्ट रेट को स्वैप कर रहे हो यस yes, एग्जैक्टली exactly. अगर आपको वीडियो को पस आंसर पता है तो पॉज करके पक्का कमेंट करिएगा द करेक्ट आंसर इज इंटरेस्ट रेट स्वैप आप इंटरेस्ट को स्वैपिंग कर रहे हो प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं The next question is, in interest rate swap transaction, the party who pays the floating payment of interest is considered as भाई जो फ्लोटिंग पेमेंट करती है क्लियर हमने देखा था इंटरेस्ट रेट स्वैप में एक फिक्स पेमेंट होता है फिक्स इंटरेस्ट वाला और एक फ्लोटिंग पेमेंट होता है तो अगर फ्लोटिंग पेमेंट करती है तो वो पार्टी को आप क्या कहोगे नोशन बायर नोशन सेलर या स्वैप बायर स्वैप सेलर अब देखिए नोशन तो चीज़ ही अलग है तो बचा ऑप्शन स्वेप बायर और स्वैप सेलर द करेक्ट आंसर इज स्वैप सेलर अगर आप फ्लोटिंग पेमेंट करते हो तो आप स्वैप सेलर हो और आप फिक्स पेमेंट करते हो तो आप स्वैप बायर हो क्लियर एक सिंपल सा क्वेश्चन था द नेक्स्ट वन इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन फ्यूचर एंड द कैश फ्लो आर बेस्ड ऑन अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट इज क्लासिफाइड एज अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट तो अंदाज ही लगा देंगे कि भाई चली रहे एम सी क्यू स्वैप के तो करेक्ट आंसर स्वैप का ही होगा लेकिन आप ऐसे आंसर को मत याद रखिए क्लियर आप आंसर प्रॉपरली याद रखिए क्लियर क्वेश्चन को समझिए डेफिनेशन दी है स्वैप की द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज क्लैश फ्लो इन फ्यूचर एंड द कैश फ्लो आर बेस्ड ऑन अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट इज क्लासीफाइड एज स्वैप्स क्लियर स्वैप एक डेरिवेटिव का सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हो या उसका सब पार्ट कह सकते हो करेक्ट आंसर इज स्वैप बेटा आंसर कमेंट करते रहिएगा एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप इंटरेस्ट रेट स्वैप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको टॉपिक समझ में होगा तो इसमें से क्या उस इंटरेस्ट स्वेप के कैरेक्टर है स्वैपिंग डेप मेच्योरिटीज स्वैपिंग फिक्स इंटरेस्ट रेट पेमेंट फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट स्वैपिंग इंटरेस्ट रेट टैक्स लाइबिलिटी स्वैपिंग डेप प्रिंसिपल पेमेंट देखिए आखिरी दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते इसमें टैक्स का कोई लेना देना है नहीं और प्रिंसिपल अमाउंट तो दोनों को सेम रिक्वायरमेंट होती है डेप मैच्योरिटी नहीं आ सकता बट ऑवैस है नाम में ही है इंटरेस्ट रेट स्वैप एक फिक्स इंटरेस्ट लेगा एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट लेगा और दोनों स्वैप कर देंगे क्लियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू स्वैपिंग फिक्स इंटरेस्ट रेट पेमेंट फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजली इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आर भाई इंटरेस्ट रेट स्वेप्स कौन से कौन से है सबसे पहला डन डायरेक्टली बिटवीन द टू काउंटर पार्टीज अरेंज बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी अरेंज बाय फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन अरेंज बाय द वर्ल्ड बैंक देखिए वर्ल्ड बैंक तो इसमें इंटरफेयर करने वाला नहीं है मतलब वो ऑप्शन चला गया अगर आपको आंसर पता है तो आप खुद कमेंट कर दीजिएगा डायरेक्टली दोनों पार्टियाँ कभी मिल नहीं सकती कोई ना कोई बीच में होता ही है मिलवाने वाला गवर्नमेंट ये सब में पड़ती नहीं है बस उनके तो गाइडलाइंस होते हैं तो करेक्ट आंसर क्या है फिनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसे हम लोग स्वैप बैंक कहते हैं या स्वैप इंस्टीट्यूट भी कहते हैं यार ये दोनों पार्टियों को मिलाने का काम करती है इट इज़ अरेंज बाय फिनान्शियल इंस्टीट्यूट सिर्फ इंटरेस्ट रेट स्वैप ही नहीं बाकी जितने भी स्वैप है वो अरेंज करके कौन देता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूट ही स्वैप करके देती है बाकी दोनों कंपनियों को कहाँ पता है वो कौन कहां पे है तो करेक्ट आंसर इज अरेंज बाय फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप द फॉर्म विशिंग टू कन्वर्ट फिक्स रेट इज लोन टू फ्लोटिंग रेट लोन इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या क्या कहा गया है द फॉर्म विशिंग टू कन्वर्ट फिक्स रेट ऑब्लिगेशन टू फ्लोटिंग रेट लोन मतलब फिक्स लोन को आप फ्लोटिंग लोन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या आंसर आएगा विल पे फिक्स एंड रिसीव फ्लोटिंग फॉर द टर्म ऑफ द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट विल रिसीव फिक्स एंड पे फ्लोटिंग रेट फॉर द टर्म ऑफ द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट सच स्वैप इज नॉट पॉसिबल या तो दोनों ही ऑप्शन सही है अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपको लगा होगा कि भाई कौन सा आंसर करेक्ट है अगर आपको पता है तो कमेंट पक्का करिएगा द करेक्ट आंसर विल पे फिक्स एंड रिसीव फ्लोटिंग फॉर द टर्म ऑफ द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वेप्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेन डैश रिस्क बट दे डू नॉट ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट टू पार्टीज फ्रॉम डैश रिस्क फिल इन द ब्लैंक्स है दो ऑप्शन आपको दिए ब्लैंक के और ऑप्शन आंसर आपके पास चार है कौन सा सही आंसर होगा क्या इंटरेस्ट रेट रिस्क डिफॉल्ट रिस्क या तो डिफॉल्ट रिस्क लिक्विडिटी रिस्क लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट और फोरकास्टिंग और प्रिंसिपल रिस्क क्या होगा आंसर आपका स्वेप्स आर यूज टू प्रोटेक्ट विच रिस्क एंड डज नॉट प्रोटेक्ट विच रिस्क कौन सा रिस्क प्रोटेक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा तो करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट रेट एंड डिफॉल्ट अगर आपको पता हो तो हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं दूसरे पार्टी के तो सही आंसर है भाई इंटरेस्ट रिस्क वो कवर करता है कि भाई ब्याज ऊपर नीचे होगा तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है क्यों आपने स्वैपिंग कर दिया है लेकिन सामने वाली पार्टी उठ जाए तो तो फिर ये आपको महंगा पड़ेगा क्लियर हर एक स्वैप में यही प्रॉब्लम होती है तो इंटरेस्ट के सामने आप बच जाते हो मार्केट के अप डाउन से लेकिन आप जो डिफॉल्ट कर सकती है पार्टी उससे बच सकते नहीं हो द आंसर इज इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड डिफॉल्ट स्वैप द नेक्स्ट वन इज अ करेंसी स्वैप इज डैश करेंसी स्वैप क्या है एन एक्सचेंज ऑफ फ्लोटिंग रेट पेमेंट फॉर फिक्स पेमेंट एन एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर करेंसी इन द स्पॉट एक्सचेंज मार्केट एन एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट डोमिनेटेड इन वन करेंसी फॉर इंटरेस्ट पेमेंट डोमिनेट इन सॉरी डिनोमिनेटेड इन अनदर करेंसी एन एक्सचेंज ऑफ डेप कन्वर्ट टर्म इन वन कंट्री फॉर दोज इन अनदर कंट्री ये थोड़ा आपको सोचने में मजबूर करेगा लेकिन आप तोड़ तोड़ के उसको पढ़ोगे तो आंसर समझ में आएगा द करेक्ट आंसर इज एन एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट डिनोमिटेड इन वन करेंसी फॉर इंटरेस्ट पेमेंट डिनोमिटेड इन अनदर करेंसी यार yeah, वही तो करेंसी स्वैप है दो कंट्रियों के बीच में होता है और उनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो रिस्पेक्टिव कंट्री की करेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसे ही हम स्वैप कर देते हैं आई आर एस स्टैंड फॉर दिस इज द मोस्ट टिपिकल इजिएस्ट एम सी क्यू आपको बहुत सारे एमसी क्यू में शायद एक या दो ऐसे एम सी क्यू देखने मिल सकते हैं दैट विल बी लक फॉर यू द करेक्ट आंसर इज एज यूजल इंटरेस्ट रेट स्वैप देखिए जो जोश में ज्यादा स्पीड में टिक मत करिए नियर बाय आपके आंसर हो गए तो सोच समझ के टिक करिएगा इंटरेस्ट रेट स्वैप जेड सी एस स्टैंड फॉर अगेन वन ऑफ द इजी एस्ट क्वेश्चन भाई जेड सी एस किसके लिए स्टैंड करता है तो इट इज ऑलवेज स्टैंड फॉर जीरो कूपन स्वैप अनदर टिपिकल इजीएस्ट क्वेश्चन नाउ जीरो जीरो कूपन स्वैप इज एन अरेंजमेंट डैश भाई जीरो कूपन कौन सी अरेंजमेंट है इनवॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड वेयर बाय वन पार्टी मेक्स पेमेंट पीरियोडिकली वेयर बाय वन ऑफ द काउंटर पार्टी मेक्स पेमेंट इन द लमसम इंस्टेड ऑफ पीरियोडिकली नन ऑफ द अबो व्हिच इज वही विच वन इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे क्या होता है जीरो कूपन में एक पार्टी इंस्टॉलमेंट पे करती रहती है और दूसरी पार्टी जो थी लास्ट में लमसम अमाउंट एक साथ पूरा पेमेंट कर देती है अगर आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में ही देखा होगा हमने लास्ट वीडियो यही डिस्कस किया था ज़ीरो कूपन स्वैप कि जिसमें एक पार्टी जो होती है वो पेमेंट करती रहती है लेकिन फिक्स इंटरेस्ट वाली एंड में पूरा एक साथ पेमेंट करती है एंड दैट इज़ टू रिस्की क्लियर मैंने उसके लिए कहा था आपको आप पहले प्रीवियस सारे वीडियोस देख लीजिए फिर आप एमसीक्यू डिस्कस करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा TRS stand for what? Again, one of the easiest MCQ. The correct answer is total return swap. TRS किसके लिए stand करता है? Total return swap. The next one is under total return swap. Total return pair is also known as. अगर आपको example याद हो, तो हम TRP जो होता है. क्लियर टोटल रिटर्न पेयर उसको हम क्या दूसरे नाम से बुला सकते हैं प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन इंटरमीडिएट या स्वैप इंस्टीट्यूट बट और से स्वैप इंस्टीट्यूट तो होगा नहीं बचे तीन ऑप्शन इंटरमीडिएट भी ये नहीं होगा बचे दो ऑप्शन प्रोटेक्शन बायर और प्रोटेक्शन सेलर द करेक्ट आंसर इज प्रोटेक्शन बायर क्लियर टी आर पी कॉम प्रोटेक्शन बायर कहते हैं जबकि टी आर आर जो होता है टोटल रेट टोटल रिटर्न रिसीवर उसे हम प्रोटेक्शन सेलर कहते हैं क्लियर अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वहां पे जाके आप देख लीजिए और उस वीडियो को अच्छे से समझिए पूरे एग्जाम्पल के साथ तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा टोटल रिटर्न वेब जो होता है उसमें असेट कौन मतलब खरीदता है और कौन उसका मालिक होता है विच इज ओन बाय टी आर बायर मींस टोटल रिटर्न बायर या स्वैप इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री या टोटल रिटर्न पेयर टी आर आर होता है मतलब टोटल रिटर्न रिसीवर कहो या टोटल रिटर्न बायर कहो या स्वैप इंस्टीट्यूट होता है या गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री होता है या टोटल रिटर्न पेयर होता है द करेक्ट आंसर